कोरिया में पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान एक कार से लगभग 3 किलो गांजा जब्त किया। जब्त किए गए गांजे की कीमत लगभग 30,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है जिसके पास से रिवॉल्वर जब्त की गई। दरअसल पुलिस इन दिनों नशे के खिलाफ मुहिम चला रही है और इसी के तहत पौड़ी इलाके में चेकिंग अभियान चलाया गया। एसपी साहब चिरमिरी के मार्गदर्शन में लगातार अवैध नशीले कारोबारों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में कल रात नागपुर निवासी कन्हैया सिंह मरावी के अल्टो कार से 3 किलो गांजा जब्त किया गया है। साथ ही उसके कार से एक देसी रिवॉल्वर भी जब्त किया गया है। इस प्रकरण में एनडीपीएस की धारा 20 बी एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25 एवं 27 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। एसपी साहब चिरमिरी